Hey guys, how are you all? Hope you all are doing great. So guys, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो पे मैं फिर से दिखाने वाली हूँ. फिर से मैंने अपना हेयर कलर चेंज कर लिया है एंड इस बार मैंने एक न्यू हेयर कलर ट्राई किया है. सो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना. नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द इंट्रो. लिपस्टिक रेंज के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. लेट मी टेल यू, मामाअर्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड एंड देयर ऑल प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल एंड दे आर ऑल नेचुरल. ऑल्सो गाइस, मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूँ, मामाअर्थ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट एंड पर्पल. एंड नॉट ओनली दैट, मामाअर्थ प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो ऑन मामाअर्थ ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऑल्सो मामाअर्थ ऐप. डोंट फॉरगेट टू यूज द डिस्काउंट कोड विच इज शिल्पा 2023 व्हाइल परचेसिंग फ्रॉम देयर वेबसाइट एंड ऐप. ऑल्सो गाइस, मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूँ, एवरी टाइम यू बाई फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दे प्लांट विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. और नॉट ओनली दैट, मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स जो है ना ऑनलाइन के साथ साथ अभी ऑफलाइन स्टोर्स नियर यू पे भी प्रेजेंट है, तो आप लोग इजिली ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन बाई कर सकते हो. सो गाइस, मामाअर्थ हैज लॉन्च देयर मामाअर्थ सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक एंड मैं यहाँ पे सारे के सारे शेड्स का हैंड स्वाचेस दिखा दिया एंड आप लोग पैकेजिंग देख सकते हो. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली लाइक द पैकेजिंग. द पैकेजिंग इज वेरी मिनिमल एंड वेरी ब्यूटीफुल aesthetic looking packaging and this lipstick is really really beautiful because look at the pigmentation. I mean, I'm super shocked and this gives the perfect matte finish and not only that, ये आपके lips को smooth भी रखता है जो कि काफ़ी अच्छा है. ये आपके lips को dry नहीं करेगा जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. ये lipstick पे jojoba oil, vitamin E भी है. तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सारे के सारे 9 shades का swatches दिखाने वाली हूँ. Yes, these are available in 9 different shades and this retails for $3.99 which is absolutely amazing. This lipstick will give you 12-hour long stay and intense matte color payoff and also these are super lightweight and comfortable feeling. These are waterproof, these are transfer proof and also these made safe certified and also these are dermatologically tested. Honestly guys, I'm in love with the shades and I would highly suggest you guys to check it out. Don't forget to check out the description box for the link. सो गाइस, मैंने जो न्यू हेयर कलर ट्राई किया है वो है फ्रॉम लॉरियल एंड दिस इज द लॉरियल पेरिस 360 ब्लैक चेरी एंड दिस इज द सेमी परमानेंट हेयर कलर एंड इट इज द कास्टिंग क्रेम ग्लॉस हेयर कलर एंड इट हैज नो अमोनिया एंड इट इज द कंडीशनिंग हेयर कलर एंड इट इज रिच अल्ट्रा ग्लॉसी हेयर कलर एंड इट विल डू द ऑप्टिमल ग्रे कवरेज एंड इट विल लास्ट अप टू 28 वॉशेस विच इज अमेजिंग. एंड ऑल्सो इट हैज शाइन मास्क विथ रॉयल जेली जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी. तो 3 से 4 महीने पहले मैंने ये वाला जो हेयर कलर है लॉरियल का वो ट्राई किया था. मैंने एक दूसरा शेड ट्राई किया था, आई गेस बर्गेंडी हेयर कलर ट्राई किया था. तो इस बार मुझे थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए था, सो इसीलिए मैंने ब्लैक चेरी मंगवाया है. एंड ये ब्लैक पे ना मतलब थोड़ा सा रेसबेरी जो कलर है वो देता है एंड आप लोग रिजल्ट देख सकते हो. तो पहले मेरा हेयर कलर कुछ ऐसा था, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, एंड अभी ऐसा हुआ है. अभी तो मैंने कलर को चेंज किया है एंड कैसे मुझे इतना ग्लॉसी हेयर कलर मिला है वो दिखाने वाली हूँ. सो गाइज, दिस इज़ द लॉरियल कास्टिंग क्रीम ग्लॉस हेयर कलर एंड इट हैज़ नो अमोनिया एंड द बेस्ट पार्ट इज इट हैज़ द रॉयल शाइन जेली मास्क. एंड पैकेजिंग मैंने सब कुछ डिटेल्स मेंशन किया हुआ है, आप लोग टाइम लेकर पढ़ सकते हो. एंड लिटरली इट इज़ रियली सिंपल टू यूज़, रियली ईजी टू यूज़. एंड पैकेट पर आप लोग को क्या क्या मिलेगा अभी मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ. यहाँ पर आप लोग को कलर एंड क्रीम मिलेगा एंड जो कि ये है फर्स्ट, ऐसा एक पैकेजिंग में आता है. एंड इसके बाद आता है डेवलपर. तो मैंने जब ये कलर पहली बार ट्राई किया था ये डेवलपर बॉटल पे ही मैंने लगाया था, बट इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ट्राई करने वाली हूँ क्योंकि मुझे लगता है डेवलपर बॉटल पे कुछ रह जाता है. दिस वन इज़ द शाइन जेली मास्क एंड उसके बाद ये मैनुअल भी मिलता है और यहाँ पे एक हैंड ग्लव भी मिलता है प्लास्टिक का. तो मेरे हेयर कलर आप लोग देख सकते हो, मुझे ये कलर एकदम ही पसंद नहीं. आई नो कुछ लोगों को शायद पसंद आया होगा, कुछ लोग बहुत लोग मेरे को बोलते थे बहुत अच्छा हेयर कलर है, बट आई रियली रियली हेट दिस कलर, आई डोंट लाइक इट. सो इसीलिए मैं डार्कन करना चाहती थी. मुझे एक्चुअली ब्राउन कलर में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मुझे थोड़ा सा रेड शेड में अच्छा लगता है. तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक वैसलीन या फिर कोकोनट ऑयल जो हेयर लाइन एरिया है वहाँ पे लगाना है. उससे क्या होगा, अगर कलर स्किन के कॉन्टैक्ट पे आता है ना तो ईजिली रिमूव हो जाएगा एंड आपकी स्किन डैमेज भी नहीं होगा. ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है. तो मैं यहाँ पर जो डेवलपर है उसको मैं ऐसे एक प्लास्टिक के बोल पर ले रही हूँ, ये जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है. तो आप लोग डेवलपर बॉटल पर भी
डायरेक्टली मिक्स कर सकते हो, बट मुझे लगता है ऐसे करने से मतलब प्रोडक्ट वेस्टेज कम होता है। तो आप लोगों को ऑलवेज़ अगर ऐसे बोल पे लेते हो तो ऑलवेज़ प्लास्टिक का या फिर ग्लास का बोल यूज़ करना, कभी भी कोई भी मेटल का बोल यूज़ मत करना। उसके बाद मैं यहाँ पे कलर एंड क्रीम को मिक्स करूँगी। तो कलर एंड क्रीम का कलर देख सकते हो थोड़ा सा रेडिश ब्राउनिश कलर था, तो मैं थोड़ा सा देख के शॉक हो गई थी, पता नहीं कौन सा कलर आएगा। एनीवेज मैं अपने टेंशन को दूर रख के इसको मिक्स करने वाली हूँ अभी। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ इसका हालत अभी कैसा है। यस, इसको अभी अच्छे से मिक्स करना है एंड मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप लोग को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई भी लंप ना रहे। आप लोग देख सकते हो मिक्स करने बाद ये थोड़ा सा ऐसा कलर आएगा। एंड इसको और एक चीज़ मिक्स करने के बाद ना, ऐसा नहीं है एक दो घंटे तक रखने के बाद आप अपने हेयर पे लगाओ, इसको मिक्स करने के बाद एकदम तुरंत आप लोगों को हेयर पर लगाना है। तो मैं अपने हेयर को अभी सेक्शन बाई सेक्शन लगाऊँगी। उससे पहले ऐसे सेक्शन पार्ट मतलब पार्टीशन करके अच्छे से यहाँ पे क्लचर लगा लिया। तो अभी सेक्शन बाई सेक्शन करने से बहुत ही अच्छा आएगा। और अपने मैं ना अपने रूट्स पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे रूट्स अभी डार्क मतलब ब्लैक कलर है, तो मैं अपने रूट्स को छोड़ के जहाँ से वो ब्राउनिश गोल्डन कलर स्टार्ट हुआ है वहाँ से ही लगाऊँगी ताकि मेरा जो ये कलर है ये कवर हो जाए। मुझे ब्लैक कलर कवर नहीं करना है अंदर ताकि एक अच्छा नेचुरल भी लुक आएगा, है ना। लगाने के बाद अभी इसको ना आप लोगों को मिनिमम 25 मिनट्स तक रखना है। मैं इसको 45 मिनट्स तक रख दिया था इसीलिए बहुत अच्छा कलर आया था। एंड मेरे हेयर तो पहले थोड़ा सा लाइट कलर के थे इसीलिए। एंड आपकी हेयर पहले से अगर डार्क एंड ब्लैक हेयर है, आप लोग अगर नेचुरल हेयर पे लगाते हो तो 25 मिनट्स ही रखना, उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने आप देख सकते हो शैम्पू कर लिया एंड रॉयल जेली मास्क भी लगा लिया था। एंड मेरे हेयर अभी कलर देख सकते हो कलर आ गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हेयर ड्राई नहीं हुआ फिर भी समझ आ रहा है। अभी आप लोग सनलाइट पे देख सकते हो, इट लुक्स सो प्रीटी, आई मीन वाओ। मैं यहाँ पे आप लोग को सनलाइट पे, नेचुरल लाइट पे एंड डे लाइट पे भी दिखाऊंगी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लाइट पे ये कैसे लगता है वो दिखाने वाली हूँ।
लोगों ने तो वीडियो पे देख ही लिया कि कैसे मुझे इतना ग्लॉसी हेयर कलर मिला है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम एक्चुअली रियली इम्प्रेस्ड। मैंने पहले भी ये ट्राई किया है तो मुझे एक्चुअली पता है इससे मुझे एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ कि आप जब भी कोई नया कलर ट्राई करो ना अपने हेयर पे, तभी 24 आवर्स पहले यहाँ पे आप लोग एक एलर्जी टेस्ट कर लो, ताकि आप लोग मतलब कोई भी ऐसा करना चाहिए है ना, ताकि आप लोग को कोई भी रिएक्शन ना हो। एंड उसके साथ साथ मुझे कलर काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने शैम्पू करने के बाद रॉयल जेली जो मास्क था, शाइन मास्क रॉयल जेली के साथ, वो ट्राई किया है ना, आप लोग देख सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उससे ट्राई करने के बाद ही मेरे हेयर पे इतना ज़्यादा शाइन सा आया है एंड मेरे हेयर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फील हो रहा है। मुझे फील हो रहा है मैंने केराटिन ट्रीटमेंट करा है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ फील हो रहा है मेरे हेयर। एंड आई जस्ट लव हाउ इट लुक्स जस्ट सो प्रिटी एंड आई जस्ट लव दिस शेड एंड आई एम रियली एक्चुअली हैप्पी विद द रिजल्ट कि ऐसे टर्न आउट हुआ है। मैंने सोचा भी नहीं था इतना अच्छा टर्न आउट होगा एंड कलर इज रियली ब्यूटीफुल। मैं जब भी सनलाइट पे जाती हूँ ना, ये थोड़ा सा रेडिश मतलब बर्गेंडी जो कलर है वो आता है एंड नेचुरल लाइट पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही नेचुरल रेडिश ब्राउनिश ये जो ब्लैक कलर है ये आया है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है एंड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। मेरे स्किन टोन के साथ ये कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड आप लोगों को भी अगर एक नेचुरल लुकिंग कलर चाहिए, जो कि आप लोग अगर नेचुरल ब्लैक हेयर है तो भी ये कलर शो अप होगा, सारे हेयर कलर पे शो होगा। यस, आपके अगर डार्क हेयर पे है फिर भी ये कलर शो होगा। एंड आप लोग अगर ब्राउन या फिर आप लोग के हेयर अगर ब्लीच किया हुआ है, जैसे मेरे हेयर था ना थोड़ा सा लाइट एक गोल्डन कलर पे था, तो फिर भी मेरे हेयर पे इतना अच्छा सा कलर आया है। तो आप लोग के अगर हेयर ब्लैक कलर है ना फिर भी ये कलर शो होगा। सो यस, इट इज़ अल्ट्रा विजिबल हेयर कलर। तो मुझे कलर काफ़ी अच्छा लगा एंड आई रियली लाइक इट। मैं तो अब से यही कलर ट्राई करने वाली हूँ, शायद दूसरे शेड नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी, दूसरे कोई शेड, बिकॉज मैं ऑलवेज एक कलर ट्राई नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा सा वेरिएंट ट्राई करती हूँ, कभी बर्गेंडी, कभी रसबेरी, कभी रेड, ऐसे शेड्स ही ट्राई करती हूँ। तो शायद नेक्स्ट टाइम मैं दूसरा कलर ट्राई करूँ। एंड अगर प्राइस की बात करें तो इट रिटेल्स फॉर 649, बट मैंने अमेजोन से परचेज किया था अराउंड 450 ऐसा कुछ था, डिस्काउंटेड प्राइस पे मुझे मिल गया था एंड आई रियली लाइक इट। एंड ये कलर ना काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। लास्ट टाइम मैंने जो कलर किया था मेरे करीब 3 महीने तक अच्छे से रहा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके फेड होता गया। बट यस, आप जितना ज़्यादा डार्क कलर करोगे ना उतना ज़्यादा दिन तक ये मतलब रहेगा। एंड आप लोग अगर थोड़ा सा लाइट कलर करते हो ना तो थोड़ा सा वो कम दिनों तक टिका रहता है। सो यस, ये एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। सो यस गाइस, दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली लाइक दिस हेयर कलर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड ये प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा एक हेयर कलर है। एंड आई नो द प्राइस इज़ रियली हाई, बट स्टिल ये हेयर कलर में ना वन ऑफ द बेस्ट हेयर कलर है। मैंने आज तक जितने भी हेयर कलर ट्राई किया है, मैंने काफ़ी सारे ट्राई किया है, मुझे ये वाला काफी अच्छा लगा। एंड आप लोगों को मैं हाईली सजेस्ट करूंगी, आप लोग एक अच्छा कलर चाहते हो जो कि आपके हेयर को उतना ज्यादा डैमेज नहीं करेगा, तो आप लोग ये वाला जरूर ट्राई करके देख सकते हो, काफी अच्छा हेयर कलर है। एंड आप लोग अगर कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप लोग जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। इफ यू न्यू टू माई चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन जस्ट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन, सो दैट व्हेनेवर आई विल पोस्टिंग वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड। एंड ऑल्सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस video, share this video and also don't forget to comment down below your thoughts and opinions. So yes guys, that's it. I'll see you in my next video. Till then, bye bye and take care.